हेलो एवरीवन। तो ये करवा चौथ का दिन था। सुबह के 4 बजे मैं उठी थी सरगी खाने के लिए, और सरगी में बस इतना ही मैं खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। कलर कितना चढ़ गया है देखिए करवा चौथ के दिन तक। तो सरगी खा के मैं थोड़ी देर वापस सो गई थी, और फिर उठने के बाद मैंने कुकर में जो भी रखना था वो थोड़ा बहुत काम करना किचन का थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था, और दूसरी साइड पर मैं नहा के आ गई थी। सॉरी आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाया करवा चौथ व्लॉग का, आप लोग सभी के कमेंट्स आ रहे थे इतना वेट मत करवाओ, देखो कलर कितना अच्छा था। तो करवा चौथ के दिन का ये व्लॉग है, और आज है अहोई अष्टमी, तो आज का भी मैंने व्लॉग बनाया उस दिन के बाद, करवा चौथ के बाद। मैंने कल शाम और आज ही व्लॉगिंग की है, तो आपको अब जो नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा वो डायरेक्ट अहोई अष्टमी का ही मिलेगा, ठीक है। सो करवा चौथ के दिन मैं नहा धो के यही पहन लिया था मैंने। गुलाब जामुन लेके आए हमारी बीबी के लिए, शाम के लिए लाए ना। तो यस गुलाब जामुन ये शाम के लिए आए हैं, और इसके अलावा शाम की मैंने सब्जी बना दी है। गुलाब जामुन और क्या लाए हो? और अभी के लिए सब्जी रोटी, क्योंकि आपको मैं काम करने को ना बोला था। इन्होंने मुझसे सिर्फ शाम का खाना बनवाया है। यस ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें कोई झूठ नहीं है, बस शाम का खाना बनाया मैंने। यहाँ बना के रखा है इधर सब्जी, यहाँ पे बना हुआ रखा है तसले में, कढ़ाई में, और पूरी का आटा गूंदने वाला हूँ मैं शाम को। भाभी आने वाली है पूरी बनाने के लिए, आटा मैं गूंदूंगा। ओके आप गूंद देना। आज मेरे पास ना कई सारे ऑप्शन हो गए हैं कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, मैं वो सोच रही हूँ। ये एक मेरी नई साड़ी रखी है, ये वो नहीं है लास्ट ईयर वाली। आप सोचो लास्ट ईयर मैंने मैरून पहनी थी, मैरून कलर की साड़ी थी, समथिंग ऐसी। मुझे ना करवा चौथ के दिन बांधनी टाइप ऑफ स्टफ पहनना बहुत अच्छा लगता है, वही अभी मैं जा रही हूँ। सिंदूर लगाऊंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी नई नई, और फिर करूंगी काम फटाफट से, क्या बोलते हैं, खाना शाम का बना दूंगी। बिकॉज जैसे जैसे दोपहर बाद हो जाती है तो वीकनेस ही आने लगती है, तो बेटर है कि पहले ही काम कर दिया जाए। अभी फिलहाल कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए, ये मिडी पहन लिए। पहले सोच रही थी ये वाला सूट पहन लूँ सुबह से, लेकिन ये बहुत ही फैंसी सूट है, उसकी बेल्ट है, तो मुझे लगा खाना बनाते हुए दाग वाग ना पड़ जाए, गंदे ना हो जाए। नया ड्रेस है, बिल्कुल न्यू वन है, ये भी बिल्कुल न्यू वन है, और एक और न्यू वन उधर रखा हुआ है उस वाले रूम में। तो मैं डिसाइड करती हूँ क्या पहनूँ। प्रिशा आ जाए कॉलेज से, कॉलेज गई हुई है, उससे पूछूंगी, वो मुझे सजेस्ट करेगी। ये भी बहुत प्यारी, देखो उसकी चुन्नी कितनी ब्यूटीफुल है ना, खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है ये, एम्ब्रॉयडरी है पूरा। तो देखते हैं क्या पहनती हूँ शाम को। मेरा ऐसा ही होता है जब करवा चौथ होता है ना, शाम तक डिसाइड नहीं होता, बिल्कुल मोमेंट पे जो फिर मिल जाता है वो पहन लेती हूँ। हर साल की बात है, हर साल सोचती हूँ पहले से सब कुछ रेडी करूँगी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक मेरी प्रिपरेशन चलती रहती है। और एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ आई है, मतलब आई है क्या, मैंने मंगवाई है, मैं आपको तैयार होके दिखाती हूँ शाम को। नहीं तो शाम को दिखाने के लिए क्या रहेगा रेडी होके, इसीलिए। और खाने में आलू सॉरी मटर पनीर बनाने वाली हूँ। पहले छोले सोचा था, लेकिन छोले अभी मैंने परसों ही बनाए थे तो विवेक ने मना कर दिया। और रायता प्रिशा बनाने वाली है, पहले ये लोग दोनों खाना बनाने वाले थे, दोनों बाप बेटी मिलके, लेकिन प्रिशा कॉलेज गई हुई है, रख दूंगी। और रायता प्रिशा बनाएगी, पूरी भाभी लोग आने वाले हैं शाम को बनाए। फ्रूट कस्टर्ड मैंने कल रात अपने लिए बनाया था ना, सुबह सरगी में खाया था। 4 बजे सब लोग उठे होंगे, मैं भी उठी थी सरगी में, मैंने फ्रूट सलाद खाया, क्योंकि अलग से फ्रूट्स खाओ। हर साल मैं उठता हूँ बोल। हाँ हर साल ये होता है, तो ये तो सच ही है ना, एवरीबडी नोज कि हर साल आप उठते हो। चलिए मैं फटाफट किचन का काम कर लेती हूँ, देन फिर डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है। ये मेरा न्यू ब्लाउज है जो अमेजोन से मैंने मंगवाया है, उसको मैंने इसमें से सिलाई निकलवा दी है, तो ये इस पर चल जाएगा। मैंने कोई भी ब्लाउज फिर से नहीं सिलवाया, हर साल मैं कहती हूँ सिलवाऊंगी सिलवाऊंगी सिलवाऊंगी, हर साल रह जाता है। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। चलो अब मैं चूड़ियाँ ला के ज़रा बढ़ा लूँ चढ़ा लूँ। तो यहाँ मैं लेके बैठ गई थी, मेरी जो चूड़ियाँ मैंने आपके साथ शेयर करी थी करवा चौथ के लिए, कांच की लाल चूड़ियाँ लेके आई थी मैं। और कुछ टाइम पहले प्रिशा के साथ जब मार्केट गई थी, लगभग 2-3 महीने पहले, तब मैं ये वाले बैंगल्स लेके आ गई थी। ये पर्ल के बैंगल्स हैं, और जो बीच बीच में लगाते हैं ना, उस टाइप के बैंगल्स हैं। करवा चौथ के दिन ना चाहे कोई भी कलर क्यों ना उठा लो, लेकिन लाल पहनने का जो मज़ा है ना, वो तो अलग ही है सच में। मतलब अब मेरे पास ग्रीन भी है, सभी कलर की साड़ियाँ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार दिल है ना रेड कलर पे जाके रुक जाता है। तो ऐसे मैंने पूरा सेट बना लिया था। चूड़ियाँ मैंने काफ़ी सारी ऐड ऑन करी है मेरे कलेक्शन में, मतलब ये जो आगे पीछे लगाते हैं ना, उस टाइप की चूड़ियाँ बहुत मैंने कलेक्ट कर ली हैं। कांच की चूड़ियाँ जो कि कम रह गई हैं मेरे पास, वो मुझे अभी और लेनी पड़ेंगी दिवाली के लिए, लेकिन बाकी चूड़ियाँ काफ़ी सारी है मेरे पास। तो कैसी लग रही है हाथ में पहनने के बाद? अच्छा लग रहा है ना ये सेट, बीच में कांच की चूड़ियाँ, इधर उधर पर्ल की है और कुंदन की भी है साथ में। तो इसके बाद में मैं लगभग 3:30-4 बजे समथिंग रेडी हुई थी। मैं करवा चौथ की जो कहानी कहते हैं, जो हमारे यूपी साइड में जिस तरह से
पूजा होती है करवा चौथ माता की, वो शाम को ही हो जाती है, मतलब 4, 4:30, 5 बजे हो जाती है। उसके बाद फिर हम साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होते हैं, फिर वो दूसरी पूजा जो होती है वो चंद्रमा पूजन होता है, चांद निकलने के बाद जो पूजा होती है। तो कैसा लग रहा है ये ड्रेस, आपको पसंद आया क्या? कहाँ से लिया बताती हूँ, अभी अंदर जाके आपको सब कुछ बोलती हूँ। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने ये पहना है, अच्छा है ना? वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, विवेक भी बैठे हुए हैं, मैं कैमरा घुमा नहीं सकती नहीं तो बहुत घर में झगड़े हो जाएगा। ये कॉलेज से आई है और मेरे ब्लाउज में से एक सिलाई निकाल रही है शाम को, क्योंकि देखो क्या होता है ना, करवा चौथ होता है तो एक होता है माइंड सेट होता है साड़ी पहनने की बीवी, तो वो विवेक को भी माइंड सेट है, साड़ी पहनने का ही प्लान है, मतलब पति देव का कहना है यही पहन के रखूँ, इसी पे मेकअप कर लूँ या साड़ी पहनूँ? साड़ी ऑब्वियसली साड़ी करवा चौथ, इनको ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पीछे जस्ट पीछे। तो मैं भी ऐसे कुछ पहनूंगा, ड्रेस मेरी बहुत टाइम की खरीदी हुई पड़ी थी लेकिन इसको मैंने कभी पहना नहीं था, तो मेरे को लगा चलो पूजा करते टाइम, हमेशा मैं सूट में पूजा करती हूँ, तो अभी तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। जो हमारी करवा चौथ माता की पूजा होती है, सबके यहाँ पे अलग अलग रस्में होती हैं, थाली बदल के पूजा करते हैं, थाली एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, किसी के यहाँ पे इस तरह से होती है जैसे हमारे यहाँ होती है, नॉर्थ इंडियंस में कहानी कहते हैं, तो कहानी मैं कहने जा रही हूँ। और ये चुन्नी तो भाई शो की है, अब पूजा के टाइम पे कौन सी चुन्नी लूनी है, एक स्पेशल चुन्नी मैंने, कोई बात नहीं, एक स्पेशल चुन्नी मैंने मीशो से मंगवाई थी, मैंने आपके साथ शायद शेयर नहीं करी है तो अब कर देती हूँ। मीशो से स्पेशल चुन्नी आई है मेरे करवा चौथ के लिए, ये वाली, और बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है, तो ये मैंने करवा चौथ के लिए स्पेशल मंगवाई और बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, थोड़ी महंगी है ये, आई थिंक 900 या 1000 समथिंग है, बट ये करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं इसको ऐसे डाल के अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो ये चुन्नी देखो क्या बड़े साइज की चुन्नी है, अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही है ना तो इसका शॉर्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी बना दूंगी और आपको जो है लिंक दे दूंगी। कितनी सुंदर चुन्नी है देखो, है ना विवेक, कैसी लग रही है? करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट, कितना अच्छा इस पर डिज़ाइन बॉर्डर सब कुछ है, अगर किसी को अच्छी लग रही है तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी, अच्छी लग रही है ना। और साड़ी भी ऐसी ही मेरी देखी, तो ये मुझे कह रहे हैं साड़ी शाम को चेंज करने के लिए, फिलहाल मैं करती हूँ पूजा। हमारे यहाँ कहानी कहते हो बच्चे बैठ के सुनते हैं, तो प्रिशा बैठ के सुनेगी और मैं कहानी कहूँगी, फिर प्रिशा सुनेगी, फिर प्रिशा कहानी बोलेगी, कौन सी? 10 साल के बाद। हाँ फिर प्रिशा कहानी बोलेगी, जब प्रिशा की शादी हो जाएगी तो प्रिशा करवा चौथ करेगी ना। कोई करवा चौथ नहीं कर रही है, प्रिशा से भूखा नहीं रह जाता। हाँ प्रिशा हमारी भूखी नहीं रह सकती। नहीं पर मेरे लिए कौन भूखा रह रहा है जो मैं किसी के लिए रहूं? Oh my God, देखो आजकल की जनरेशन ऐसी, बट ये वैलिड पॉइंट है। चलो तो ये चुन्नी लेके हम पूजा करने चलते हैं, बहुत सुंदर लग रही है चुन्नी, इस पे बॉर्डर भी बहुत अच्छा है और लेस लगी हुई है। मीशो की चीज़ें कई बार नहीं अच्छी आती हैं लेकिन कई बार बहुत अच्छी आती हैं, थोड़ा देख के मंगवाने पड़ते हैं रिव्यूज़ वगैरह, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। चले कृष्णा पूजा करने, तो चलिए टाइम आ गया है कि करवा चौथ माता की पूजा की जाए। तो साइड पे कैलेंडर आप देख रहे हो ना, मैंने फ्रेम करवा लिया हुआ था कई साल पहले और तब से मैंने संभाल के रखे हुए हैं ये कैलेंडर्स और मैं यूज़ करती हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है। ये लेस कैसी लग रही है? सुंदर है ना चुन्नी? मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो सभी पूजा की जो चीज़ें थी वो प्रिशा मुझे ला ला के दे रही थी। इतना सपोर्ट रहता है मुझे प्रिशा का, हर चीज़ मुझे ला के दे देती है बैठे बैठे ना, क्योंकि पानी भी नहीं पीना होता तो लाइक यू नो शी ऑलवेज सपोर्ट। ये थाली मेरी याद आ गई आपको, ये थाली मेरी नई निकाली मैंने अभी अभी, एक बार पहले साफ़ करवा के रखवा दी थी पॉलीथीन बैग में पैक करके, मेरी नई वाली थाली जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। अब आ गया है टाइम कि इसको बड़े चाव से यूज़ करें। और ये लेस देखो कितनी अच्छी लग रही है, इट्स अ ब्यूटिफुल लेस ना। नेल पेंट लगाना बाकी रह गया मेरा, मैं अभी आराम से बैठ के लगाती हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही है लेस, किसी को भी ये मीशो की चुन्नी अच्छी लग रही हो ना तो मैं इसका ना लिंक दे दूँगी। और ये आज के दिन भी देखो कपड़े नहीं बदल रहे हैं, है ना, शाम को कुछ अच्छा पहन लेना चुप करके। ये जो थाली के साथ लोटा आया है ना, लेकिन ये थोड़े छोटे साइज़ का लग रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने इस वाले में ये नया ला के इसमें रखा है जल। अभी थोड़े से ये चावल हम रखेंगे यहाँ पे, एक ढकने के लिए भी कुछ दे दो ना लोटे को।
तो मैंने सब तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी। तो हमारे यहाँ सब क्या देखो अलग अलग होती हैं रस्में, हमारे यहाँ पे तो दुर्वा और चावल के दाने करवे के ऊपर रखे जाते हैं जब जिससे हम ढकते हैं ना कटोरी वगैरह उससे, और थोड़ा सा दुर्वा ये क्या बोलते हैं गणेश भगवान को मैंने चढ़ा दिया है। और गणपति स्त्रोत के साथ ही पूजा की शुरुआत होती है, सबसे पहले गणपति बापा की पूजा होती है वो तो हर एक पूजा से पहले, फिर हार वगैरह चढ़ाया जाता है माता रानी को करवा चौथ माता को, तो ये हार मैं चढ़ा दूंगी। और ये सारी तैयारियां मुझे प्रिशा ने मार्केट से सब सामान ला के दिया है। जब से प्रिशा बाइक चलाने लगी है, जब से प्रिशा कॉलेज जाने लगी है, बाहर सब काम करने जाने लगी है, तब से मुझे काफ़ी सहारा हो गया है। मतलब हर चीज़ मुझे वो करके ला देती है। सच में घर में बेटियों का होना बड़ा ज़रूरी है, बेटा तो चाहिए लेकिन बेटियाँ तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे वाली बात है। तो ये छोटे छोटे फूल थे जो कि मैं भगवान को चढ़ा रही थी मेरे मंदिर में, और साथों साथ क्या बोलते हैं आज के दिन ना एक अलग उमंग होती है मन में, एक अलग क्या बोलते हैं एक अलग ही बात होती है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, एक अलग ही वाइब्स होते हैं करवा चौथ के। आई होप आपके करवा चौथ भी अच्छे रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका करवा चौथ कैसा रहा, आप लोगों ने क्या क्या पहना था, ऐसा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM में अपने फ़ोटो भेजना। शुभम भक्ति कल्याणम आरोग्यम पुष्टि वर्धनम नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। तो अब यहाँ पे मैंने प्रिशा को बुला लिया था, और क्योंकि कहानी सुनाते हैं ना तो किसी को सुनाते हैं, अब देखो कोई और तो है नहीं है, देवरानी नहीं है, कोई नहीं है, कोई और हो तो साथ में कर लें। एक करवा चौथ पे मैं गई थी, मेरी जो दीदी जिनकी डेथ हो गई है ना कोरोना में, दिल्ली में जो रहते थे गुड़गांव में, उनके साथ एक बार मैंने करवा चौथ किया था, मुझे याद है तब हमने एक दूसरे को कहानी सुनाई थी। लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है तो फिर मैं प्रिशा को ही कहानी सुना देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ माता रानी को मैं टीका लगा दूंगी, खुद को टीका लगा लूंगी, और फिर बाद में हम कहानी कहना शुरू करेंगे। और बायना निकालते हैं तो उसमें मैंने मिठाई वगैरह ले ली है, उसके ऊपर पैसे रख दिए शगन के। लंबोदर शिविक्टो विक्रनाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानी नमानी पटेश्वरो यागपि विदारम्भे विवाहे च प्रवेशे निरुक्तमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्न तस्य न जायते। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ माता की जय। तो करवा चौथ माता की जो व्रत कथा है वो ऐसे है कि एक साहूकार था, बिजनेसमैन था, उसकी एक लड़की और 7 लड़के थे। करवा चौथ के दिन जो बिजनेसमैन था ना उसकी पत्नी बेटी बहू सबने व्रत रखा। जब रात हो गई ना तो जो बिजनेसमैन था उसके बेटे ने उसके बेटा भोजन करने लगा, खाना खाने लगा, तो उसने अपनी बहन से खाना खाने के लिए बोला। तो बहन बोली भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, यानी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पे मैं उनको अर्घ्य देके ही खाना खाऊंगी। इस पे भाइयों को ना दया आ गई बहन पे, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने शहर के बाहर जाके एक आग जलाई, छलनी में, छलनी होती है ना वो आग जलाई उसके अंदर, और उसका प्रकाश बहन को दिखा दिया और बोला कि देखो चांद निकल आया, आप जल देके खाना खा लो। बहन और भाभिया और भाइयों द्वारा दिखाया गया जो प्रकाश था ना उसी को जल दे दिया और खाना खा लिया। इस तरह से व्रत जो है वो भंग हो गया, हो गए। और उसके बाद उसके पति, उसका जो हस्बैंड था ना बहन का, वो बहुत बीमार हो गया और सारा पैसा बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोष के बारे में पता लगा तो वो पश्चाताप करने लगी, यानी रिग्रेट करने लगी, गणेश जी से माफी मांगने लगी, और फिर से उसने विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। श्रद्धा के अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही अपने मन को लगा दिया। इस तरह से श्रद्धा भक्ति सहित जो उसका जो ये काम गणेश जी ने देखा ना तो वो उसके ऊपर खुश हो गए और उसने उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसको बीमारी से मुक्त करने के बाद उसको धन संपन्न से भी युक्त कर दिया। यानी कि इस प्रकार जो भी कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वो सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा और कष्ट संकटों से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे करवा चौथ माता ने उसके पति की रक्षा की थी ना, वैसे करवा चौथ माता मेरे पति की रक्षा करे। माता रानी जो है भूलों को क्षमा करे, प्यार दे, आशीर्वाद दे, कृपा बनाए रखे, जीवन की रक्षा करे और अपना आशीर्वाद रखे। बोलो करवा चौथ माता की जय। ओके गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है शाम की, जो करवा चौथ माता की पूजा करते हैं कहानी कहते हैं वो हो गई। अभी प्रिशा चाय बना रही है अपने पापा के लिए, अभी के लिए, खुद के लिए। और आज है ना यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा ये लगती है ना वीकनेस, ऐसा इस बार आज पहली बार मतलब मैं महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे पहली बार ऐसा गुजरात में बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब नहीं हुई है प्यास से। और मैंने मेरा आई मेकअप कर लिया है, अब मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ। पहले सोचा था कि इसी ड्रेस में कंप्लीट कर दिया जाए करवा चौथ, लेकिन सबकी इच्छा है कि मैं साड़ी पहनूँगा। अभी आई हैं, पूरियाँ बना रही हैं।
आपको दिखाती हूँ। मस्त दोनों माँ बेटी आए हैं। बाल स्ट्रेट करने की जगह मैं सोच रही हूँ, इनको ऊपर ऐसे करके बन वगैरह कुछ बनाऊँ ऐसे सोच रही हूँ। आई मेकअप किया है देखिए, शेडेड पिंक एंड ब्लैक शेड बनाया हुआ है। अभी जस्ट बस 5-7 मिनट में ही फटाफट रेडी हुई हूँ और इयररिंग डालूंगी या तो गले में, अभी तो मंगलसूत्र पहना है, कुछ नेकलेस देखती हूँ। ब्लाउज ये वाला निकाल के लाई हूँ, या तो कॉन्ट्रास्ट में पहनूंगी ये और रेड साड़ी, या फिर रेड वाला ही पहनूंगी। लेट्स सी, चलो मैं तैयार होके आपको मिलती हूँ। आंटी पूरी बना रहे हैं। मतलब आंटी बोल रहे हैं आज मम्मी का, मतलब उनकी बहन का करवा चौथ है इसलिए वो बना रहे हैं पूरी। और ये रहे हमारे मालती दीदी। आओ क्या पूरियां बनाई हैं भाभी ने और मालती ने, इतनी बढ़िया पूरी ना, देख के मुंह में पानी आ रहा है लेकिन जान तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। 7:15 बज गए। कितने बजे का टाइम है भाभी? यार 8:30 का टाइम है ना, मैंने उसमें पढ़ा 8:30 बता लिखा हुआ था, 8:36 समथिंग। तो मैं फटाफट अब साड़ी पहनने जा रही हूँ। मस्त पूरियाँ बन गई हैं, चांद देख के डायरेक्ट खाना। तो चलो तैयार हो जाते हैं। ब्लाउज़ कैसा लग रहा है? ये अमेज़न का ब्लाउज़ है, अच्छा लग रहा हो तो बताना आप मुझे, है ना। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। फटाफट मैं साड़ी मेरी बांध लूँगी और ये हो गई मेरी साड़ी तैयार। अब पिन लगाने के लिए हमेशा प्रिशा मुझे हेल्प करती है, तो उसको मैंने बुला लिया। मैंने कहा बेटा पिन लगा दो। तो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब सच में बहुत इजी हो जाती हैं जब घर में एक बेटी होती है। पहले जब प्रिशा छोटी थी तो विवेक से लगवाती थी मैं। फाइनली आई एम रेडी। मैंने ऊपर बालों का बन बना दिया और जो थोड़े मेरे आगे के जो हेयर है ना, जो ऐसे पड़े रहते हैं माथे पे, इनको मैंने थोड़ा स्ट्रेट कर लिया स्ट्रेटनिंग मशीन से। एंड ये अच्छा लग रहा है ब्लाउज़ बहुत। कैसा लग रहा है मेरा लुक बताना आप मुझे। जी मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार, बस इयररिंग की कमी है। प्रिशा उस रूम में तैयार हो रही है, बाद में मैं इयररिंग डालती हूँ कानों में कुछ भी। तो और ये साड़ी इस ब्लाउज के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इसका पैटर्न, ओ माय गॉड दिस इज सो प्रिटी। तैयार ब्लाउज मंगाना मुझे तो ज़्यादा सही लगने लगा। ये पूरा चिकन वाला है और अस्तर वाला है और इसमें पैड्स हैं और ये कॉस्टिंग कुछ 500 to 650 के बीच, 500 to 650 के बीच। तो दिस इज़ आई थिंक मोर, क्या बोलते हैं, रीजनेबल। जो हम कपड़ा वपड़ा लेके सिलवाते तो ज़्यादा महंगा हो जाता है। और ये नई साड़ी है मेरी अमेज़न की, मैं वीडियो में आपको दिखाई भी थी। और ऐसी मेरे पास 3 साड़ियाँ हैं, एक ये ब्राइट रेड कलर, एक मरून कलर और एक मरून कलर और रेड कलर के बीच का कलर। मुझे डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद है और मैंने इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया तो मेरी साड़ी लंबी की लंबी रह गई। नहीं तो साड़ियाँ है ना छोटी हो जाती है, बिकॉज हम इसमें से ब्लाउज निकलवा देते हैं तो हम जैसे मोटे लोगों को फिर इतने सारे प्लेट्स नहीं आते। देखो कितने सारे प्लेट्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने ब्लाउज अलग से मैनेज कर लिया है। सो मेरा चल गया। ये मेरी 2023 की, भगवान करे ये दिन मेरे जीवन में ऐसे ही हर साल आए और आपके भी सबके जीवन में ऐसे ही हर साल आए। सब अपने पतियों के साथ सुखी रहें, सदा सौभाग्यवती रहें, ऐसी मैं भगवान से कामना करती हूँ। मेहंदी का कलर तो देखिए काले पे काला होता जा रहा है और अब चांद के आने का इंतज़ार है। आई थिंक आधा पौना घंटा ही बचा हुआ है। तो मेरी थाली ये रही, ये फ्लिपकार्ट वाली ही थाली है जो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाई थी आपको याद हो तो, और बिल्कुल मेरे साड़ी के कलर में मैच हो गई है। चलो बाहर चलते हैं। आई थिंक करवा चौथ पे ऐसा ही अच्छा लगता है पिंक टाइप, क्योंकि साड़ियाँ रेडी होती हैं तो वही अच्छा लगता है। और ये थाली मुझे 550 की पड़ी थी फ्लिपकार्ट से, पूरियाँ वगैरह बना के भाभी जा चुकी है। ये थाली मुझे 550 to 600 के बीच फ्लिपकार्ट से पड़ी है। अगर आपको भी अगले साल के लिए अच्छी लग रही है आप ले सकते हो। इस साड़ी का लिंक, ये वाली थाली का लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। वेट करिए विवेक का, इट्स 7:45। अब बस चांद के निकलने का इंतज़ार है। प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। कैसी लग रही है? सुंदर है ना? अमेज़न का बाय है ये। और अगर किसी को भी अच्छी लग रही है मेरे अमेज़न के वीडियो चेक कर लो जो मैं अक्सर डालती रहती हूँ। क्या टाइम है आज? व्रत मेरा है और पूछ विवेक कर रहे हैं चंदा कब निकलेगा कब निकलेगा। भूख लगी है तुम्हें? नहीं, प्यास लगी है? मुझे हर साल की कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा रिलैक्स रहा है, इस बार ज़्यादा प्यास नहीं लगी है मुझे ना। आज मेरे जो इयररिंग मुझे इसके साथ पहनने थे ना वो नहीं मिले तो फिर मैंने नहीं पहने, अवॉइड कर दिया। आज मैंने थोड़ा सिंपलेस्ट लुक ही रखा है, बस चूड़ियाँ हैं, मंगलसूत्र है और मेकअप है। मेकअप इटसेल्फ बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ग्लॉसी सा मेकअप हुआ है। प्रिशा तैयार? प्रिशा हो गई क्या बेटा? 8:30 बज रहे हैं भाई, देख के आओ चांद कहीं ऐसा है, निकल गया और मैं ऐसे ही प्यासी बैठी हूँ।
ऐसे मत करो मेरे साथ। मैंने सुंदर झुमकी पहनी है और ये झुमकी के साथ का आधा पोर्शन कहाँ गया, वो जो नीचे लटकता है? मुझे यही मिली। ये वाली झुमकी में ना पीछे से एक चीज लटकती है, वो इतनी लंबी तक लटकती है, सुंदर लगती है। ये मिंत्रा से मंगाई है मैंने, सादा कुछ अनोक की कुर्ती है और अनोक के ही इयररिंग है। मैंने ज्यादा कुछ आज वो नहीं किया प्रेप, क्योंकि कल मैं जर्नल सबमिशन, मुझे बहुत सारी जर्नल लिखनी है, लेकिन इन्होंने जिद कर करके मुझसे कुर्ती चेंज करवाई है। थोड़ा फेस्टिव एटमॉस्फेयर लगना चाहिए ना। और आज बाय द वे से रायता बनाया पहली बार लाइफ में, देखते हैं कैसा बनाया है। मैं बोल रही थी मैं आपको टेस्ट कराती हूं। नहीं, यू आई कांट टेस्ट, बट तुमने मिर्ची डाली, नमक डाला, यस, तुमने धनिया डाला थोड़ा, यस, तुमने टेस्ट किया नमक डाल, यस। लड़की बड़ी हो गई है, कैसी लग रही है देखो, प्यारी लग रही है, दूर जा चला रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रखी अभी, ये मेरी। अरे भाई करवा चौथ मेरा है, तेरा ना है, चिंता ना कर, जब तू बनाएगी ना तब तू तैयार हो जाएगी, तब हम सिंपल सिंपल पहने। मैं आज कुछ भी नहीं पहन पाई, कान में मुझे जलन हो रही है तेरे से, मेरे कानों में आज मैं कुछ नहीं पहन पाई, मेरे इयररिंग ही नहीं मिले जो मुझे। आप बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे उस चीज की जलन हो रही है, बताओ। मैं कुछ सुंदर नहीं लग रही, मैंने कुछ किया भी नहीं है। चल बात कर ले, अरे पीछे किससे बात कर रहे थी, छोड़ दो। हेलो सर। तो चलिए इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और यहाँ हमारे यहाँ पे गुजरात में 9:30 को चांद दिखा था। ये कब से छत पे घूम रहे थे और कब से इंतज़ार था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो यार प्यास ही बहुत लग जाती है, तब जाके कहीं चंदा मामा निकले, इन्होंने दर्शन दिए और फिर इनको छलनी से देखा गया, जैसे कि जो रस्म होती है छलनी से देखते हैं, पहले चंदा को देखते हैं फिर इनको देखते हैं, चंदा की पूजा करते हैं फिर इनकी पूजा होती है और इसके बाद में जल चढ़ाया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, मतलब जो हमने करवे में पानी लिया होता है, जल लिया होता है ना उसको। तो चलो चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चांद की पूजा हो गई, अब हमारा ये वाला चंदा खाना खाएगा और दुकान पे जाएगा, पेट पूजा हो जाए। मैंने पानी पिया है भर के दो ग्लास, इतना मजा आ गया ना, वाओ, पहली बार बेटी के हाथ का रायता मिल रहा है आपको, फर्स्ट टाइम। अच्छा 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 भाई, ये जरूर सुन लेना कि ना ये आटा जो है ना इन पूरियों का, ये विवेक बांध के फिर शॉप पे गए थे शाम को, भाभी ने सिर्फ पूरियां बनाई, आटा इन्होंने बांधा है और रायता प्रीशा के हाथ। रायता टेस्ट करो प्लीज मम्मा, प्लीज एक वाट की दो ना सोनिया, एक वाट की दे दो, अभी दे रही हूं मैं, अभी पंखा चला दे बेटा, अभी पंखा चलो, बस हो गया, गरम हो गया, बहुत गरम नहीं करना। गुलाब जामुन किधर गए भाई? ये रहे हैं वो मेरे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नीचे गिर रहा है। तो ये आज की करवा चौथ स्पेशल थाली, मटर पनीर बनाया था मैंने और साथ में पूरियां भाभी बना के गई, रायता प्रिशा ने बनाया है और साथ में है गुलाब जामुन। तो हमारा टिपिकल जो करवा चौथ वाला जो मेन्यू होता है वो जनरली इसी टाइप का होता है, नॉर्थ इंडियन फूड कम्प्लीटली। चलिए करवा चौथ व्लॉग लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं कल के व्लॉग में।